कुमार बढ़िया लगेल कि तेजस्वी बढ़िया कहाँ लगल हमें तीन बार 15 साल देखल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ है और सभी लोग नीतीश कुमार को ये इस काम की क्रेडिट जाए। खुद 9वीं फेल है तो कैसे किसी को नौकरी दे। पलटी मार दिए हैं तो अभी तक है ठीक नहीं लग रहा है। तब इलेक्शन से पहले उनको फिर गठबंधन में आना ही पड़ेगा। गंजा पी के सुती अंत हो जाई। का पी के सुती है? गंजा। गंजा मुख्यमंत्री ना गंजा पियलन। साझे देखने बहुत बड़ा आरोप है। बिहार का गंजा नहीं पीते हैं। उसमें नशा नहीं है। नेपाल का गंजा में ज्यादा नशा है। इसीलिए कहा इधर उधर इसीलिए उधर उधर पलटी मार देते हैं। ज्यादा चढ़ जाता है। हाँ चढ़ जाता है। नमस्कार, मैं हूँ सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। मैं बता दूं कि बिहार में काफ़ी कुछ उथल पुथल आपको देखने को मिल रहा है। लगातार जिस तरह से महीनों दिन से घमासान बचा हुआ है बिहार की राजनीति में, सीधा सीधी तौर पे मैं बता दूं कि अब लड़ाई 17 वर्ष बनाम 17 महीनों का हो चुका है। साफ तौर पर जो राजद की खेमा है यानी महागठबंधन की खेमा है, साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि जो 17 महीनों में महागठबंधन की सरकार में जो युवाओं को रोजगार दिया गया वह 17 वर्षों में नहीं हुआ। वहीं नीतीश कुमार लगातार कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने नौकरी दिया है, बिहार में हमने रोजगार दिया है। इसी मुद्दे पर विवाद छिड़ा हुआ है और मैं बता दूं कि जिस तरह से विवाद और जिस तरह से पोस्टरवार भी देख सकते हैं कि बिहार में पोस्टरवार बीमारी है। मैं बता देना चाह रहा हूं कि जिस तरह से पोस्टर के जरिए जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं अपने कामों को बिहार में गिना रहे हैं कि मैं 17 महीने के कार्यकाल में हमने क्या किया, इसी पर बात करते हैं। यहाँ जनता है और जनता से साफ तौर पे मैं बात करूँगा कि इन लोगों की प्रतिक्रिया क्या है। युवा हैं और युवाओं के लिए जिस तरह से रोजगार दिया गया कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा महागठबंधन की सरकार थी, अब ये सरकार जो है NDA का सरकार हो चुका है। नीतीश कुमार NDA के तरफ जा चुके हैं, क्या कहिएगा? वो बहुत गलत बात चल गई। तेजस्वी जी थे तो वैकेंसी आ रही थी। हाँ। इनसे तो उम्मीद नहीं है उतना वैकेंसी का। काहे उम्मीद नहीं है? बोल रहे हैं कि हम ही नौकरी दिए हैं। वो थोड़ा वैकेंसी दी है, तेजस्वी के पक्ष में हुआ है। 17 साल से वो क्या किए थे? कुछ नहीं किए थे। 17 महीना में जो इनका सरकार आया था तेजस्वी जी का, देखिए इनसे रोजगार कितना बढ़ा। अच्छा, 2025 में कौन, नीतीश कुमार फिर एक बार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव देखो, तेजस्वी यादव। लेकिन कह रहे हैं लोग कि तेजस्वी यादव का जो नया है डूब जाएगा गंगा। नहीं डूबेगा ना, नहीं डूबेगा, नहीं डूबेगा। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से बिहार की राजनीति काफी उथल पुथल देखने को मिला, 28 तारीख को फिर से नीतीश कुमार एक बार पलटी मार के NDA में चले गए, अब पोस्टर वार जारी है बिहार में कि हमने 17 महीनों में ये किया वो किया, सरकार किसका अच्छा लगा? महागठबंधन का अच्छा लगा कि एनडीए का आपका सरकार अच्छा लग रहा है? ऐसे तो नीतीश कुमार का सरकार अच्छा था पहले। अच्छा था, बहुत विकास किए थे। हाँ, हर चीज़ के मामले में विकास किए हैं नीतीश कुमार जी। और अपने वहाँ पे कार्य करने में सक्षम नहीं हो सके जनता दल के चलते, इसलिए वो अपना। अच्छा, जो रोजगार की बात कही जा रही है, जिस तरह से वैकेंसी लाया गया बिहार सरकार में बड़े पैमाने पर, जिस तरह से शिक्षकों की बहाली ली गई 2,20,000 लगभग शिक्षक को नियुक्त किया गया, उसके बारे में क्या कहिएगा? ये साफ तौर पे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये मेरे सरकार में और मेरे कार्यकाल में इतना वैकेंसी लाया गया है। उनके कार्यकाल में, नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुई है कि उनके कार्यकाल में थोड़े हुई है? वो तो बोल रहे हैं, श्रेय लेना चाह रहे हैं कि हम किए। कह रहे हैं नीतीश कुमार सब कुछ किए हैं, नीतीश कुमार का देन है इतना बहाली करने के लिए। युवा है, पढ़ाई लिखाई हुआ है, कितने क्लास तक पढ़े हैं? बीकॉम कंप्लीट हुआ। अच्छा, बीकॉम कंप्लीट किए हैं। नौकरी की तलाश में है कि नौकरी हो गया है? नौकरी की तलाश में अभी। तलाश में है, क्या कहिएगा जिस तरह से बिहार में सियासी चल रही है सत्ता को लेकर, सत्ता परिवर्तन हो गया है, फिर एक बार पुनः BJP में नीतीश कुमार चले गए हैं, एक बार पलटी मार दिए हैं और पलटी मरने के बाद वो कह रहे हैं कि बिहार में हमने 3.5-4 लाख रोजगार दिया है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि 17 महीनों में मेरे द्वारा बिहार में भारी पैमाने पर लोगों को नौकरी दिया गया। देखिए, जैसे कि अभी आप माइक लिए हैं, वो भैया कैमरा लिए हैं, आप हमसे पूछ रहे हैं, आप ही का नाम होगा ना कि तेजस्वी का? जो सरकार में थे उन्हीं का नाम होगा, नीतीश कुमार का। अच्छा, नीतीश कुमार का, क्योंकि नीतीश कुमार ने ही उनके कार्यकाल में ही नौकरी मिली है। हाँ। बाकी तेजस्वी जो भी बोले तो कैसे नौकरी दिए सभी लोग जानते हैं, जब खुद 9वीं फेल है तो कैसे किसी को नौकरी दे? 9वीं फेल है, लोकतंत्र की बात है, इस तंत्र की बात है, ठीक है। हाँ। लोकतंत्र लोकतंत्र होती है। हाँ। लेकिन लोकतंत्र में उनको देखा जाए तो एक हिसाब से परिवारवाद भी है। हाँ। अपने फैमिली के बैकग्राउंड चाहे जो भी हो, अगर हमारे माँ बाप भी बड़े आदमी होते, चाहे यहाँ पे जितने लोग हैं किसी के भी माँ बाप बड़े आदमी होते, तो हम लोग भी उनके अहदे तक जा सकते थे। अगर उन्हीं में काबिलियत है तो मतलब एग्जाम पास करके कोई भी जॉब ले सकते थे, लेकिन उनके कार्यकाल में नहीं हुआ है, ये सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में हुआ है और सभी लोग नीतीश कुमार को ये
इस काम की क्रेडिट जाए। बुरा नहीं मानिएगा, कौन से जाति से हैं आप? तिवारी पंडित जी। हाँ पंडित जी हैं, इसीलिए उनसे नाराज हैं। साफ तौर पे कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भले ही पोस्टर वार खेल लें, मगर उनके द्वारा कोई नौकरी नहीं दिया गया है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। बताइए। हाँ। देखिए, परिवारवाद जातिवाद की बात नहीं है। हाँ। वो किए है कि नहीं जातिवाद, आप खुद से बताइए। हम जनरल हैं, जो हम मतलब 70% आया, इस बात को एक अच्छा मतलब जो भी पढ़े उसको अच्छा नहीं लगता है कि मतलब मैं इतना नंबर ला के यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, जो थोड़ा सा कम लाए उसका सिलेक्शन हो गया, ऐसे सब में। चलिए, इनका मुद्दा रहा कि उनके द्वारा परिवारवाद किया जाता है, खुद नवी फेल है, ये करें हम नहीं करें, क्या कहिएगा भैया? नौकरी के बारे में पढ़ाई लिखाई हुआ है? जी पढ़ाई लिखाई हुआ है। कितने क्लास तक पढ़े हैं? हम मैट्रिक तक पढ़े हैं। मैट्रिक तक पढ़े हैं। कैसा लग रहा है बिहार में आपका जो सरकार था पहले तेजस्वी यादव के साथ में, जो महागठबंधन की साथ सरकार थी नीतीश कुमार की, और नीतीश कुमार फिर एक बार पुनः पलटी मार के चले गए हैं बीजेपी में, आप बताइए। अभी तो खैर जब पलटी मार दिए हैं तो अभी तो खैर ठीक नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन हमको आशा है कि जहाँ तक उम्मीद है कि मतलब इलेक्शन से पहले उनको फिर गठबंधन में आना ही पड़ेगा। आना पड़ेगा, यानी दसवीं बार शपथ ग्रहण ले सकते हैं? ले सकते हैं। हाँ। ले सकते हैं, इसलिए कि पहले बोले थे कि हम जब बीजेपी से हट गए तो फिर उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन बोलने के बावजूद भी फिर उसमें पलट गए। तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति में सब कुछ चलता रहता है, चलता रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं ना है, अपने मन में आएगा जो नहीं लिखिएगा। आपको हम ना बनाए हैं, वोट हमने दिए हैं, तो फिर हमारा बात आपको मानना चाहिए ना। एक नंबर की बात कर रहे हैं ये, साफ तौर पे इनका कहना है कि वोट हम दिए हैं, यानी जनता ही चुनकर किसी को प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक की पद पर बैठाती है, सांसद की पद पर बैठाती है, मंत्री के पद पर बैठाता है। कार्यकाल जो 17 महीना रहा तेजस्वी यादव के साथ में, वो कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो जरा वो बिल्कुल अभी ठीक था, लेकिन अभी जो चल रहा है ये सही नहीं चल रहा है। सही नहीं चल रहा है, इसका जनता जवाब देगी आने वाले चुनाव में, क्या कहिएगा? युवा है, पढ़ाई लिखाई कहाँ से? पढ़ाई तो हम बीएससी किए हैं। अच्छा, बीएससी, नौकरी की तलाश में है कि हो गया? नौकरी की तलाश में अभी है। क्या कहिएगा बिहार में जिस तरह से सियासी उठा पटक खेल चल रही है? उठा पटक खेल तो सब वहीं है, नीतीश कुमार मतलब अच्छा कर रहे हैं, बोलिए कोई ना। अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सरकार किसका अच्छा लगता है, तेजस्वी या नीतीश का? दोनों का नहीं। दोनों का नहीं, कोई युवा चाहिए। अच्छा, तेजस्वी तो भी युवा है, 32-33 का है, तो कहा कुछ किए। हाँ, नौकरी की झड़ी लगा दी है बोल रहे हैं। हाँ, तो जो बीएड डीएलएड किया है उसका ना लगाए हैं? हाँ। बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, कैसे बिहार में खेला हो रहा है, बिहार पुलिस का पेपर लीक हो जा रहा है, साफ तौर पे कहना है। इनका कह रहे हैं कि जो बीएड और डीएलएड किए हैं उनके लिए भारी पैमाने पर वैकेंसी लेकर आए थे। कुछ और साथी हैं, लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा। चचा हैं, बुजुर्ग हैं, बात करते हैं। चचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो जोधन माली है। अच्छा, ये पहले बताइए कि सत्ता परिवर्तन हो गया बिहार में, फिर एक बार पुनः एनडीए की सरकार बन गई, क्या कहिएगा? सरकार किसका अच्छा लग रहा था, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे उनका, या महागठबंधन में 17 महीना रहे तेजस्वी यादव के साथ उनका? मैं तो तेजस्वी यादव के साथ थे तो अच्छा मैंने काम किए। हाँ। और अब क्या करेंगे पलटू चचा? हाँ। अब पलटी किधर किधर मारेंगे, क्या करेंगे, तो वही ना जानेंगे। अच्छा, आप लोगों का विश्वास नहीं रहा क्या मुख्यमंत्री? कैसे विश्वास रहेगा? हाँ। कभी आप किसी एक दूसरे डाल पर, कभी एक दूसरे डाल पर डाल डाल तो फानते रहिएगा, तो राज्यकाल अच्छा चलेगा? हाँ। कार्यकाल अच्छा चलेगा? हाँ। नहीं चलेगा। हाँ। कोई अपने मन का करेगा, बीजेपी जो है अपने मन का करेगा, ये अपने मन का करेंगे, तो कैसे होगा? जनता कहाँ से? मतलब बिहार अब नहीं है, संतुष्ट नहीं है बिहार की जनता? बिहार की जनता उन पर संतुष्ट नहीं है। बिहार विकास मांग रहा है, साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार से लोग उब गए हैं, क्या कहिएगा भैया? हम लोग नहीं बुझाएगा, बताइए ना, कहीं ना आएगा। क्या नाम है आपका? मनीप शाह। मनीप शाह, वोट किसको देते हैं? हम बिहार में, बिहार में हम दीने कोमल के, कोमल के। हाँ। मोदी जी के चलते। हाँ। साजीवन ये ले। हाँ, हाँ, नीतीश कुमार बढ़िया लगे कि तेजस्वी? बढ़िया कहाँ लगल, हमें 3 बार 15 साल देखल न दी। हाँ। कभी हेने ले होने, कभी हेने ले तो दाल बचा भात ना भात बचा दाल सूखल पड़ जाता। हाँ। केनहू आयल तो गई ना मर जा मर रहा भव। हाँ। गंजा पी के सुतियन तो हो जाइ। का पी के सुतियन? गंजा। गंजा मुख्यमंत्री गंजा पियलन? साझे साझे देखने पे बहुत बड़ा आरोप लगा रहे, कह रहे गंजा पीते हैं मुख्यमंत्री जी। हाँ, मुख्यमंत्री जी तो वहाँ नेपाल का गंजा पीते हैं। नेपाल से? नेपाल से आता है उनके लिए रिजर्व। हाँ, मतलब बिहार से गंजा नहीं, नेपाल से? बिहार का गंजा नहीं पीते हैं। हाँ। उसमें नशा नहीं है, नेपाल का गंजा में ज्यादा नशा है, इसीलिए कहा इधर उधर, इसीलिए उधर उधर पलटी मार देते हैं, ज्यादा चढ़ जाता है। हाँ, चढ़ जाता है।
जैसे कि अभी आपने जनता का राय सुना, साफ तौर पे लोगों का कहना है जो मत देकर किसी भी प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिनिधि को विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, साफ तौर पे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार से जनता है अब उब चुकी है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा अच्छा कार्यकाल किया जा रहा है, क्योंकि भारी पैमाने पर जिस तरह से उन्होंने बिहार में इस बार नौकरी लाने का काम किया है। कुछ युवा साथी थे, साफ तौर पर उन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार के द्वारा भारी पैमाने पर बिहार में इस बार नौकरी लेकर आया गया और नौकरी युवाओं को दिया गया, यानी कि रोजगार 4 लाख दी गई। लेकिन वहीं कुछ लोग खपा भी हैं, साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव का जो सरकार था काफी अच्छा सरकार था। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।